आज हर एक इंसान इम्यूनिटी के पीछे ही भाग रहा है और हम में से ज़्यादातर लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल से ज़्यादा बूस्टेड हो ताकि हम अलग अलग बीमारियों से बच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे फल और सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनमें से अगर एक को भी आप रोज़ाना खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल से कई ज़्यादा बढ़ी होगी। आज की इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, ब्लूबेरीज। अब ब्लूबेरीज तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती ही है, इसके साथ साथ इसमें एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और इसी के साथ साथ इसको खाने से हमारा जो फूड पाइप है वो भी क्लीन हो जाता है, मतलब इस एक चीज़ से हमारे 2 फायदे होते हैं। तो इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नंबर 6, ब्रोकोली। अब भले ही ब्रोकोली बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती है पर ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी की, इसीलिए आप इसे अपने रोज़ाना डाइट में ले सकते हो। और इसी के साथ साथ इसमें एक सल्फोराफेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करता है, इसीलिए अगर आप इसे डेली बेसिस पर खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही बूस्टेड रहता है। नंबर 5, स्पिनच। अब पालक तो बहुत से घरों में बड़े चाव से खाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें मौजूद होते हैं कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी और ई, और इसके साथ साथ इसमें अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जिसे खाने से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक बूस्टेड हो जाता है। नंबर 4, ब्लैक टी। अब काली चाय तो कई घरों में उनके दादा परदादा के ज़माने से ही पी चली आ रही है जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और इसी के साथ साथ इसमें कई तरह के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम और अलग अलग तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको इसे अपनी जो नॉर्मल टी है उससे रिप्लेस कर देना चाहिए जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नंबर 3, चॉकलेट। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना एक बच्चे के लिए होता है, क्योंकि चॉकलेट में बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड थियोब्रोमाइन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट तो करता ही है, उसके साथ साथ जो कॉमन कोल्ड होते हैं उसे भी क्योर करने में ये बहुत ही मददगार साबित होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको चॉकलेट ज़्यादा खानी चाहिए, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हफ्ते में आपको 3 या 4 चॉकलेट तो खा ही लेनी चाहिए जो ताकि आपकी सेहत बनी रहे। नंबर 2, फ्रूट सैलड। अब इसके नाम से ही कई लोग को पता चल गया होगा कि ये अलग अलग फ्रूट्स का मिक्सचर है, इसका मतलब है कि इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स में मौजूद होते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और फाइबर्स, और इसी के साथ इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हद तक बूस्ट कर देते हैं। और अगर हम इस फ्रूट सैलड को रेगुलर बेसिस से खाएं तो हमारे बीमार पड़ने की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। नंबर 1, वाटर। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे मुझसे कि वाटर तो हम सब पीते ही है, पर मैं आपको बता दूं कि वाटर आप तो पीते हो लेकिन आपके जैसे और भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि पानी को सही मात्रा में नहीं पीते। तो मैं उनको बता दूं कि पानी को हमें 8 से 10 गिलास एक दिन में पीना चाहिए और हमें पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, हमें हमेशा बैठ कर और वो भी गिलास से मुँह लगा कर पानी को पीना चाहिए। अगर हम आ करके पानी को पीते तो हमारे जो पानी के साथ साथ है उसके साथ साथ हमारे हवा भी हमारे मुँह के अंदर आ जाती है जिससे कि हमारा डाइजेशन भी स्लो हो सकता है और हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।